नमस्कार दोस्तों, पहले जानेंगे तालाब आखिर बदबू क्यों करता है, उसके बाद जानेंगे कि बदबू को चुटकियों में ख़त्म कैसे करें। दोस्तों, तालाब के पानी से बदबू आना, स्मेल, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तालाब महक रहा है, ये सबसे ज़्यादा अक्सर ग्राम सभा के पोखर में होता है या जिस तालाब में मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है उसमें भी तालाब का पानी बदबू करता है। दोस्तों, तालाब के पानी से बदबू आने का कई कारण है। अगर आपके तालाब में बाहरी पानी आ जाता है तो भी तालाब का पानी बदबू करने लगता है। जब लोग बाग हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं तब भी उनके तालाब से बदबू आने लगता है, क्योंकि तालाब में अधिक मछली होने के कारण तालाब में उसी रेशियो से दाना पड़ता है, और जब मछली उस दाने को खाकर पानी में पोटी करती है तो उसका पोटी पूरे पानी में धीरे धीरे करके फैलता है। कुछ दिनों बाद ये पूरे पानी को दूषित और इन्फेक्टेड कर देता है। दोस्तों, जब आप मछली को दाना देते हैं तो मछली जब दाना खा जाती है तो उसके पेट में दो ही प्रक्रिया होती है। पहला, मछली दाना खाकर उसे पचा लेती है तो उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। दूसरा प्रक्रिया, अगर मछली दाना खाकर पचा नहीं पाई तो दाना उसके पेट में सड़ेगा, और जब उसके पेट में दाना सड़ेगा तो मछली का लीवर भी खराब होगा, और सड़ा हुआ दाना जब पानी में बीट करेगी तो तालाब के पानी में तो बहुत तेज इन्फेक्शन और ऑर्गेनिक लोड बढ़ता है। ऐसा नहीं है ये प्रक्रिया तुरंत हो जाती है, धीरे धीरे होता है। जब आप हाई डेंसिटी में मछली पालन करें तो आप हर एक चीज से अलर्ट रहें। दोस्तों, आप मछली के साथ साथ पानी को समझने की भी कोशिश करें। मानता हूँ कि पानी को समझना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब पानी को समझ लेते हैं तो फिर मछली पालन करना और भी आसान और बेहतर हो जाता है। दोस्तों, लोग बाग तालाब में हाई डेंसिटी में बच्चा तो डाल देते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी वाला मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ना तो मछली को भरपूर खाना खिला पाते हैं, और ना ही भरपूर मात्रा में उसको ऑक्सीजन दे पाते हैं, और ना ही तालाब का पानी साफ रख पाते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि कब कब कौन सी दवा डालनी है। दोस्तों, अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है और उसमें रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, कामन, सिल्वर कार्प या फंगेसियस, जिसको कई लोग जासर, बैखर, बैखी के नाम से जानते हैं, अगर इन मछलियों का पालन आप अपने तालाब में करते हैं और आपका तालाब बदबू कर रहा है तो आप 1 एकड़ में 100 किलो नमक यानी कि 1 क्विंटल नमक तालाब के चारों तरफ से डलवा दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, 12 घंटे के अंदर अंदर आपके तालाब का बदबू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और आपकी मछलियों को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके तालाब का पानी भी पूरी तरह से प्यूरिफायर कर देगा, और साथ ही साथ आपके तालाब के पानी को भी साफ कर देता है। नमक मछली पालन में और क्या क्या भूमिका निभाता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।